नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोरोना के 100 से कम मामले। राज्य में पारा चढ़ने से बढ़ रही है गर्मी। दरभंगा के एक युवक को चांद पर मिली 1 एकड़ जमीन। बिजली बिल का भुगतान 15 दिनों में नहीं भरने पर लगेगा सरचार्ज। आईपीएल के आयोजन में हुआ बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की खबरों की ओर विस्तार से। पटना के तर्ज पर बिहार के अन्य शहरों को भी मिलेंगे एलिवेटेड रोड। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के अन्य शहरों में एलिवेटेड रोड का निर्माण करवाया जाना है। सरकार यह रोड वैसे सड़कों पर बनाने पर ज्यादा जोर दे रही है जहां जाम की समस्या अधिक देखने को मिलती है। पहले चरण में ऐसे 6 शहरों की पहचान कर ली गई है जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में इसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो राजधानी पटना में एलिवेटेड रोड बनाने का परिणाम सकारात्मक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जाम की समस्या से निजात मिला है जिसके बाद अब लोग घंटों का सफर मिनटों में तय कर रहे हैं। इसलिए पथ निर्माण विभाग ने एलिवेटेड रोड का दूसरे शहरों में भी विस्तार करने का निर्णय लिया है जिसके बाद विभाग ने अब 6 शहर जिसमें भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया की पहचान की है। बिहार में मिले कोरोना के 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 74 मामलों की पुष्टि हुई है जिसके बाद प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात तो राजधानी पटना में 19 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जहानाबाद में 11 और सिवान में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 105 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट गए हैं जिसके बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,62,238 पर पहुंच गई है। वहीं अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,455 पर पहुंच गई है। चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल की तरफ से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है जिसके बाद जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ही नोटिस जारी कर दिया है। दायर किए गए चुनाव याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन पदाधिकारी ने आनन फानन में उसके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया है, इससे वो चुनाव नहीं लड़ सके। नामांकन पत्र का सही से जांच नहीं किया गया। इस याचिका को भी कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी देते हुए जदयू विधायक को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है। राज्य में पारा चढ़ने से बढ़ रही है गर्मी। अप्रैल के महीने की शुरुआत होने वाली है और बिहार में गर्मी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। दिन के तापमान में तेजी से हो रही बढ़ोतरी इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे तापमान से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि पूर्वा हवा बहने के कारण गर्मी के सितम से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर बिहार में गर्मी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो अगर गर्मी का सितम इसी तरह कायम रहा तो अप्रैल महीने में प्री मानसून की परिस्थिति बनने की संभावना जताई गई है जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद मिली है। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अफसर आमिर सुभानी को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। बिहार में हाल ही में विकास आयुक्त बने आमिर सुभानी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अधिसूचना जारी कर दी है जिसके बाद आमिर सुभानी को 3 अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी थी जिसके बाद से विकास आयुक्त आमिर सुभानी को अगले आदेश तक योजना और विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा आपदा पुनर्वास सोसायटी का परियोजना निदेशक और बिहार राज्य योजना परिषद का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आमिर सुभानी लंबे समय तक बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर रहे थे। हालांकि कई बार उन्हें इस पद से हटाने की मांग भी की जा चुकी है। दरभंगा के एक युवक को चांद पर मिली 1 एकड़ जमीन। बिहार का एक शख्स चांद पर जमीन का मालिकाना हक रखता है। यह शख्स सुशांत सिंह राजपूत नहीं बल्कि दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के बड़ेहा के निवासी और पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर इफ्तिखार रहमानी है जिनके नाम पर चांद पर 1 एकड़ जमीन होने का दावा किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह दावा अमेरिकन कंपनी लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने किया है। इसके साथ ही बताया गया है कि यह प्लॉट दरभंगा के इफ्तिखार रहमानी को उपहार में दिया गया है। प्रमाण के तौर पर इफ्तिखार रहमानी ने प्लॉट का पेपर भी दिखाया। इफ्तिखार की इस बड़ी उपलब्धि के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बधाई देने वालों का भी तांता लग गया है। हाई स्कूल में 1800 लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली। बिहार के लगभग सभी स्कूल में लाइब्रेरियन की बहाली का काम जल्द ही शुरू होने वाला है जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार के जिस भी स्कूल में 500 से अधिक पुस्तक है वहां एक पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होने वाली है। वर्तमान समय में लगभग ऐसे 1800 हाई स्कूल चिन्हित किए गए हैं जहां पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है। हालांकि इसकी संख्या सभी जिलों से मिलने वाले रिपोर्ट के बाद बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 सत्र में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इसको लेकर नियमावली 2020 बनाई गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष बहाली के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मीरा कुमार की। मीरा कुमार का जन्म आज ही के दिन साल 1945 को बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। मीरा कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य वो 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संक्षिप्त मंत्री 2009 में संक्षिप्त अवधि के लिए जल संसाधन मंत्री और 2009 से 2014 तक लोकसभा के 15वें अध्यक्ष भी रही हैं। कुमार 2017 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नामांकन हासिल करने के बाद एक प्रमुख राजनीतिक ब्लॉक द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए नामित होने वाली सिर्फ दूसरी महिला बनी थी। कुमार 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थी और एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से चुनाव हार गई थी, लेकिन एक हारने वाले उम्मीदवार द्वारा सबसे अधिक वोट प्राप्त करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। बिजली बिल का भुगतान 15 दिन में नहीं भरने पर लगेगा सरचार्ज। बिहार में कल से बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके असर अगले साल मार्च महीने तक देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद अब राज्य के पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 1.5% सरचार्ज देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। अब तक बकाया बिजली बिल 1.25% सरचार्ज था, मगर रीडिंग कर बिलिंग होने के 15 दिन के अंदर बिजली बिल जमा नहीं होने पर 1.5% सरचार्ज लगेगा। अगर यह अवधि 2 महीने के लिए बढ़ जाती है तो बिजली काटने की कार्रवाई भी की जा सकती है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से 3% छूट भी मिलने वाली है। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह पहुंचे सोनपुर। मंत्री की जिम्मेदारी निभाने के बाद पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह सोनपुर पहुंचे थे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना से सोनपुर जाने के क्रम में जगह जगह लोगों ने मंत्री सुमित कुमार सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके पर पहुंचे मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि सोनपुर के ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है। सोनपुर मेला को विश्व स्तर का बनाए रखने के लिए भी राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में सोनपुर ही नहीं पूरे बिहार के विकास के लिए वो खुद कृत संकल्पित है। न्याय के साथ विकास के नीतीश कुमार जी के मूल मंत्र को आम आदमी तक ले जाना ही लक्ष्य है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस रेस में पछाड़ा। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन विपक्ष में बैठने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताकत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, एक मामले में तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है, जिसका प्रमाण प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी किए गए 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में पेश किया गया है। जारी किए गए इस सूची में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वहीं इस सूची में तेजस्वी का कद बढ़ा है, जिसके तहत तेजस्वी को इस सूची में 76वें स्थान पर जगह मिली है। साल 2009 में तेजस्वी 83वें स्थान पर थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो साल 2019 में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18वें स्थान पर थे, वहीं इस बार उनकी रैंकिंग गिरकर 80वें नंबर पर आ गई है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के खिलाफ निकला ग्रामीणों का गुस्सा। बीते दिन उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के खिलाफ ग्रामीणों का भारी गुस्सा देखने को मिला। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन उपमुख्यमंत्री रेणु देवी की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों की गाड़ी से चनपटिया के रामपुरवा निवासी सुधांशु शुक्ला की जान चली गई है, जिसके बाद से वहां के ग्रामीण में काफी गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण ने बेतिया नरकटियागंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया और रेणु देवी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। खबरों की माने तो जान गंवाने वाले सुधांशु शुक्ल की बाइक रेणु देवी के काफिले से टकरा गई थी, जिसके बाद पर ही उनकी जान चली गई। आईपीएल में हुआ बदलाव। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। इससे पहले बीसीसीआई ने इसके नियमों में बदलाव कर दिया है। अब नो बॉल पर मैदानी अंपायर द्वारा दिए गए फैसलों को थर्ड अंपायर बदल सकते हैं। इसके साथ ही शॉर्ट रन और सॉफ्ट सिग्नल के नियमों में भी बदलाव आने वाला है, जिसके तहत अब शॉर्ट रन पर फैसला करने की ताकत थर्ड अंपायर को दे दी गई है। सॉफ्ट सिग्नल को आईपीएल से हटा दिया गया है। मैच निर्धारित समय पर खत्म हो, इसलिए फैसला लिया गया है कि एक बार ही 90 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। आपको बता दें, इस साल आईपीएल का लाइव प्रसारण 120 देश में होने वाला है। इसके साथ ही भारत में 8 भाषाओं में कमेंट्री के साथ मुकाबले दिखाए जाएंगे। आईपीएल का प्रसारण अलग अलग भाषाओं में भी अलग अलग देश में किया जाएगा। कंगना रनौत ने की सनाया मल्होत्रा की तारीफ। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के लिए चर्चा में बनी रहती है। उनके ट्वीट को लेकर कोई ना कोई बवाल जरूर शुरू हो जाता है। हाल ही में कंगना का एक पोस्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की जमकर तारीफ की है। कंगना ने यह तस्वीर सानिया की फिल्म पगलेट को लेकर शेयर की है। वहीं अचानक कंगना से अपनी तारीफ सुनकर सानिया भी इमोशनल होती दिखाई दी। कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सानिया का एक फोटो रीट्वीट करते हुए लिखा कि वो इतनी अच्छी है, मैं खुश हूं कि लोग उनका टैलेंट पहचान रहे हैं। मैंने सुना है कि # पगलेट ऑन नेटफ्लिक्स अद्भुत काम कर रहा है, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। सानिया, तुम सब कुछ डिजर्व करती हो और बहुत कुछ भी, तुम्हें ढेर सारा प्यार। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार सड़क निर्माण के काम में सफल साबित हुई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।